हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी हेल्दी मसाला जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं। सैंडविच भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं और आप इसको कुछ रोटी में भी लगा के खा सकते हैं। कोई भी चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च मैंने यहाँ ली है, थोड़ा सा पत्ता गोभी मैंने लिया है। अभी मैंने इसको रफली चॉप किया है, अभी हम इनको बारीक एकदम बारीक चॉप करेंगे। दो गाजर मैंने ली हैं और ये मैंने आलू लिए हैं, 6 से 7 आलू हैं ये, तो इनको मैंने बॉईल कर लिया है और छील लिया है अच्छे से। थोड़ी सी मटर हम डालेंगे इसमें, टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे, हरी मिर्च है और 1 चम्मच हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। तो ये जो सब्जियां हैं, हम कोशिश करेंगे ये सब्जियां हम बराबर बराबर मात्रा में ही लें, सारी सब्जियां थोड़ा थोड़ा करके। और आलू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको डालना हो। तो मैं इसको हेल्दी बनाने के लिए इसमें सब्जियां ज़्यादा डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही सब्जियां हैं। तो जो भी आपको पसंद हो वो सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फूल गोभी भी आप डाल सकते हैं और भी सब्जियां, स्प्रिंग ओनियन वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती भी हम डालेंगे इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो पहले हम ये सारी सब्जियों को एकदम बारीक चॉप कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो सारी सब्जियों को भी एक साथ चॉप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल के मैं कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने अभी गाजर और शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है, अब मैं मटर को और ये पत्ता गोभी को चॉप करूंगी। एकदम बारीक चॉप करना है हमें, आप देख सकते हैं इसको। सब्जियों को चॉप करके हम आलू को भी मैश कर लेंगे। सब्जियों को बारीक चॉप कर लिया है, आलू को भी अब हम मैश कर लेंगे। आलू को भी हम एकदम मैश कर देंगे। गैस पे हम पैन रखेंगे, पैन गर्म हो चुका है तो हम इसमें ऑयल डाल देंगे। कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। तेल भी गर्म हो चुका है लगभग, तो अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, प्याज को हमें एकदम ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही करना है, इससे थोड़ा कम ही रखें, मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च हमने हरी भी डाली है इसीलिए 1/2 चम्मच ही डालेंगे। और अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे, तो नमक मैंने यहाँ डाला है 2 चम्मच। टीस्पून से मैंने सारे मसाले डाले हैं, नमक भी उसी से डाला है। और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच चाट मसाला, तो इसमें भी नमक रहता है, तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से डालें जितना आप बना रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इसमें पहले आलू डालेंगे। अब हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। आलू हमारा मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स भी डाल देंगे जो हमने काट के रखे हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी मसाला बन जाता है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है। सब्जियों को हम ऐसे ही कच्चा ही रखेंगे क्योंकि बहुत बारीक चॉप की हैं, तो इनको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जो भी बनाएंगे इससे सैंडविच या पराठा, उसमें भी ये पक जाती हैं। तो हम इसको बस मिक्स करके 1 से 2 मिनट ही हाई फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। मिक्स कर लिया है मैंने इसको, तो ऊपर से ये धनिया पत्ती डालेंगे और हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं इससे, सैंडविच भी बना सकते हैं। सब्जियों को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया है क्योंकि हम पराठे में भी बनाएंगे तो ये पक जाती हैं और सैंडविच में भी पक जाती हैं।
रोटी में भी लगा के हम इसको खा सकते हैं। मसाला हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। तो आप इसको बना के कुछ भी बनाइए इससे। थैंक यू फ्रेंड्स।